राजधानी रांची में आज भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रांची के जिला स्कूल में यहां पर जमा हुए हैं, जिसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी और बिरसा मुंडा की समाधि स्थल तक जो है भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है वो किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं, एक महाजुटान का आयोजन यहाँ पर किया गया है और जिला स्कूल में तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तैयारियाँ दिख रही है। अब से थोड़ी देर में भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। हमारे साथ दीपू जी हैं, ये बताइए सर कि आज राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा है, क्या कुछ तैयारियाँ? देखिए, राहुल जी के आह्वान पर पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा है। जहाँ जहाँ राहुल जी नहीं जा रहे वहाँ उप यात्रा निकाली जा रही है। आप देख रहे हैं ये एक फिजा जो आप देख रहे हैं, एक उत्साह देख रहे हैं, क्यों? राहुल जी ने हर उस आदमी के मन की बात की भी है कि हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम महंगाई की बात नहीं कर रहे, हम लोगों को अपेक्षा जो था जिसके लिए आपको काबिज करें उसकी बात नहीं करें, और एक धर्म के नाम पे पूरे देश में बांटने का जो काम कर रहे हैं इसको लेकर करके हमने भारत जोड़ो यात्रा चालू की राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी जी का एक ही उद्देश्य है कि हम सारे लोग एक साथ मिल करके नए भारत का निर्माण करें और नया भारत जो हो वो कहीं ना कहीं सब लोगों का हो, और इसी के लेकर के भारत जोड़ो यात्रा आज रांची में भी निकला है, कल जमशेदपुर में, परसों सरायकेला में, उसके बाद चाईबासा में, फिर हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पंचायत स्तर पे भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यहाँ पर आयोजन किया गया है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो है उसको लेकर के यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से भी आए हैं, साथ ही साथ राजधानी रांची के तमाम जगहों से जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं जिला स्कूल में, और जिसके बाद यहाँ से जो है भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में किया जा रहा है, राहुल गांधी की अगुवाई में जो है भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन जो है वो किया जा रहा है, तो ऐसे में राजधानी रांची में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और राजधानी रांची के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में जो है यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जो हो जाएगी। सुबोध कांत सहाय जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और सुबोध कांत सहाय क्या कुछ कह रहे हैं आइए हम सुनते हैं। समाज के हर वर्ग से, जिधर से भी हम लोग गुजरते हैं, तो एक आपको लगेगा कि उत्साह के साथ, मतलब एक समर्पण के साथ लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये एक व्यापक हो गया है, आंदोलन का रूप ले लिया है, ये कोई दायरा नहीं है। और पदयात्रा एक संकल्प का नाम है। बीजेपी आरोप लगा रही है भारत टूटा कब था जिसको जोड़ा जा रहा है। बीजेपी तो 8 वर्ष में सिर्फ तोड़ने का ही काम किया है, नफरत ही फैलाने का काम किया है, बेरोजगारों के दिल को तोड़ा है, महंगाई से लोगों को पेट काटने पे मजबूर किया है, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, महिलाओं के सम्मान के साथ अत्याचार किया है। यही 5 मुद्दा है जो हमारे संघर्ष का मुख्य मुद्दा है। सुबोध जी, आज भारत जोड़ो यात्रा जो है राजधानी रांची में आयोजन किया गया है, यहाँ पर काफ़ी कार्यकर्ता और नेता पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? मैं आपको कह सकता हूं कि यात्रा एक बहुत बड़ा व्यापक रूप ले लिया है। राहुल गांधी का 101वां दिन है, ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर के करीबन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हम झारखंड में अपने 22 जिला कंप्लीट करके 3 जिला हमारा बाकी है जो हम 18, 19, 20 में करेंगे। आज रांची जिला का ये यात्रा है, आप देख रहे हैं किस तरह उत्साह है, यहाँ तक कि टाना भगत जो मूल रूप से गांधीयन परंपरा के प्रतीक हैं वो भी आज खुल करके इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो यात्रा एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया है, मैं ही कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है कार्यकर्ता नेता बंधुदा हमारे साथ, बंधु तिर्की जी है, आज राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। देखिए, हमारे देश के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी विगत कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा पैदल यात्रा कर रहे हैं,
देश की जो हालात है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, संविधान के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसानों का मामला आप समझ रहे हैं पूरा, और नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के पूरा जो हालात, जो देश का हालात है, किसी से छिपा हुआ नहीं। और उसी के क्रम में हम झारखंड प्रदेश में भी यहाँ पर हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत कई एक जिलों में जा कर के यात्रा किया जा रहा है। आज महानगर में ये यात्रा किया जा रहा है, रांची राजधानी में, और आप देख रहे हैं जनसलाब, लोगों का अपार जन समर्थन जो मिल रहा है। हमें निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो राहुल गांधी का त्याग है, इस देश के लिए एक बहुत बड़ा आपका मील का पत्थर साबित होगा, और लोग इस देश को बचाने के लिए लोग आगे आएंगे, और हजारों लाखों की संख्या पूरे देश के लोग जुड़ेंगे, और आने वाला दिन 2024 में मोदी को निश्चित रूप से इसका आपका लोग यहां पर उसको जवाब देंगे। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी में जो विधायक हैं वो जो है कहीं ना कहीं जो है घेरे में आ रहे हैं। कल अनूप सिंह को नोटिस मिला है ईडी की तरफ से, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आपको बिल्कुल प्री प्लान है क्या, मैंने कि बाकी जो हैं कांग्रेस के जो हैं और अन्य दल के, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, उन पर ईडी और अन्य क्यों जांच नहीं करती है? केवल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गैर भाजपाई जहां पर सरकार है वहां पर परेशान करती है। और अब जांच के लिए बुलाया है, जांच करे, साँच को आँच क्या है, जाँच हो। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मौजूद है। हमारे साथ आभा सिन्हा जी हैं। आभा सिन्हा जी, आज यहाँ पर राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा जो है की जा रही है, क्या कहेंगे आप? महिलाओं की भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थी। महिलाएं हर समय कांग्रेस पार्टी में हमेशा बड़ी बड़ी संख्या में रही, क्योंकि आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी का देन है कि आज हर स्टेट में ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ले रही है। हम जानते हैं कि ये जो यात्रा है, इससे महंगाई त्रस्त जो लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए, जो महिलाओं का शोषण करते हैं उन सभी का विरोध करने के लिए आज हमारा भारत जोड़ो यात्रा चालू। बिल्कुल, तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता जुटे हैं, ऐसे में 22 जिलों में, झारखंड के 22 जिलों में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो हो चुकी है, और ऐसे में और 30 जिलों में ये यात्रा होनी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ झारखंड में भी असर देखने को मिल रहा है। सहयोगी राजेश के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस रांची।